असलकुम वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद आईना एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यूपल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट सिफाई पर सेल लगी थी और ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिफाई पर सेल लगे और मैं स्पेसिफिकली जाकर शॉपिंग ना करूँ सो आई बॉट सम थिंग्स मैंने कल लेट शेयर द शॉपिंग हॉल विद यू पीपल इनकी जो सेल है वो एक दिन पहले ही स्टार्ट हो जाती है अराउंड फोर पी एम इनकी स्टार्ट हो जाती है और विद इन सेकेंड्स इनकी सारी की सारी चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती हैं सो आई जस्ट ग्रैप द अपॉर्चुनिटी और पहले ही मैंने सारी की सारी चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो मैंने पहले ही उसके लिंक ओपन कर लिया था और जैसे ही स्टेल स्टार्ट हुई विद इन टू मिनट्स के अंदर अंदर मैंने जो सारी की सारी जो मुझे डिजायर चीज़ें थी वो मैंने एड टू कार्ड कर दी और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिली मेरी पसंद की लेकिन उसके ऑल्टरनेट भी मैंने ढूंढ रखी थी क्योंकि सफाई की सेल में ऐसा मोस्टली हो जाता है सो लेट्स ओपन द फर्स्ट पैकेज और मैंने मोस्टली जो सूट्स हैं इस बार अनस्टिचिंग मंगवाए हैं स्टिच मुझे बहुत कम पसंद आ रहे थे क्योंकि इनके न्यू अराइवल्स पे इतनी ज़्यादा सेल नहीं थी इनफैक्ट इस बार सिफ़ाई ने सारे के सारे न्यू आर्टिकल्स हटा दिए थे अपनी सेल से अच्छा इस सूट की जो रियल प्राइस वो थी वो अराउंड सिक्स थाउजेंड थी सो आई गॉट दिस ऑन थर्टी परसेंट ऑफ और ये मुझे मिला है फोर्टी वन नाइन तो सबसे पहले इसका दुपट्टा चेक कर लेते हैं दोपट्टा जो है वो बेम्बर शेफून का है और ये वो वाला दुपट्टा है जो आपकी पूरी मुट्ठी के अंदर ना एक ही बार आ जाएगा बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा है और इस बार मैंने शॉपिंग बेसिकली नेक्स्ट जब गर्मियाँ आएगी क्योंकि गर्मियों में ईद भी आ रही है और रमज़ान भी आएगा सो so, उसके लिए आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं तो उसी के लिए मैं पहले से तैयारी करके रख लेती हूँ बेम्बर शफून का दुपट्टा था नेक्स्ट हमारे पास ये शर्ट आ जाती है शर्ट पे ऑल ओवर जो है ये एम्ब्रॉयडरी थी ये छोटी छोटी जो बूटी बनी हुई है ना शर्ट के सारी तरफ इसकी एम्ब्रॉयडरी थी और पम्फ्लेट पर जो है वो इन्होंने कलियाँ डाल के जो है वो हमें इस इस तरह का कपड़ा दे रखा था नेक्स्ट हमारे पास बाजू के ऊपर ये बंचेज आ जाते हैं बाजू पर इन्होंने ये बंचेज दिए हुए थे सबसे अच्छी बात मुझे इस सूट की यह लगी है कि मुझे कोई पैच लगवाना नहीं पड़ेगा ऑल दो हाँ बस मुझे एक ही पैच लगवाने पड़ेगा वो भी सिर्फ गले का क्योंकि गला जो था वो इन्होंने औरगेंजा के ऊपर दिया हुआ था सो लेट मी जस्ट शो यू क्लियरली कि कैसा लगेगा प्लेन कपड़े के ऊपर अच्छा तो गला जो है वो कुछ इस तरह का लगेगा सो दिस वॉज़ माई फर्स्ट सूट जो मैंने फोर्टी वन नाइन्टी थ्री रुपीज़ का लिया था मूव ऑन टू द नेक्स्ट सूट जो मैंने आ, अच्छा इसके साथ बड़ी एक ट्रेजिडी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ मैंने एक सूट मंगवा लिया था ऑनलाइन और मैंने वो मंगवाया था स्टिच रेडी टू वेयर ठीक है अब जो शर्ट उसकी आई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो गई थी ऑल तो मुझे इसका एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है मतलब मुझे थोड़ा बहुत ढीला ही होता है लेकिन दिस टाइम वेनाई बहुत एक्स्ट्रा स्मॉल तो वो बहुत ज़्यादा टाइट था उसकी फिटिंग भी अच्छी नहीं थी उसका ट्राउज़र भी मैंने ले लिया था लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं चेंज नहीं कराती लेकिन वेन आई वोट दिस उसकी फ़िटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और इट वॉज़ फॉर फोर्टी तो मुझे वो फोर्टी फाइव हंड्रेड वेस्ट नहीं करने थे और थैंक गॉड मुझे उसी दिन वो पार्सल रिसीव हो गया जिस दिन सिफार की सेल एंड होनी थी तो खैर मैं फटाफट फट गई और मैंने जो मुल्तान का स्टोर होता है उस पे से जा के मैंने ये ना एक्सचेंज करा लिया था सो फर्स्ट थिंग फ़र्स्ट हमारे पास सूट आ जाता है ये भी लॉन का थ्री पीस सूट ही है सही है इसकी जो कमीज़ और शलवार है ना उसका प्रिंट बिल्कुल सेम है उसके ऊपर छोटी छोटी बूटी बनी हुई है और साथ पे छोटा सा जो है इन्होंने हमें साथ बॉर्डर दिया हुआ कमीज है कमीज़ का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है शर्ट का कपड़ा वॉज अराउंड थ्री मीटर एज़ कम्पेयर टू ट्राउजर का कपड़ा और ट्राउज़र का कपड़ा जो था वो ढाई मीटर का था नेक्स्ट वी हैव द पैचेस इसमें चार किस्म की जो है हमें इन्होंने पैचेज़ दी हुई हैं तीन जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक है और चौथी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है और बहुत प्यारी पैचज हैं ऑल्दो ये मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मिला था क्योंकि मैं एक तो सेल के लास्ट डे गई थी और सेकेंडली ये कि वहाँ पर जितने भी सूट पड़े हुए थे वो या तो दस हज़ार से बारह हज़ार से ऊपर के ही पड़े हुए थे बस जो माल रह जाता है ना वो वाला पड़ा हुआ था सो so येस yes, इसके साथ एक और भी बॉर्डर आता है जो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयड है पूरा का पूरा एम्ब्रॉड है मैं सोचूं कि मैं सोचूँ कि शलवार पर लभगा लूँ क्योंकि आजकल शरपा शलवार जो है वो चौड़े पैंचों वाली काफ़ी चल रही है अच्छा इसके साथ जो दुबटा है ना वो जो डोरियाँ लोन होती है ना उस टाइप का ये दुपट्टा है और दुबट्टा जो है इन्होंने सॉर्ट ऑफ कंट्रास्ट में ही दे रखा है फॉर नाउ सेल से मुझे अभी तक यही चीज़ें रिसीव हुई हैं और लास्ट बट नॉट लीस्ट गेस कह रहे हैं कि इसके इतने बड़े डब्बे में क्या होगा और ये हमने बिल्कुल सेल के आखिरी दुनने में ऑर्डर किया था जब मैं स्टोर पे गई थी तब ये नहीं पड़ा हुआ था लेकिन सॉ इट ऑनलाइन तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं ले लेते हैं अच्छा तो हमारे पास इसकी प्राइस सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी प्राइस जो थी वो टू थर्टी सेवन थी एंड गेस व्हाट व्हाट वी हैव हाँ इन दैट टू थर्टी सेवन रुपीज़ बॉक्स तो हमारे पास ये है सिफार्का आई लैश कर्लर अच्छा इसको मैंने सेवेंटी परसेंट ऑफ में मंगवाया है और इसकी क्वालिटी जब मैंने चेक की है तो बस नॉर्मल है कोई इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है अगर आप किसी लोकल स्टोर से भी लोगे तब भी आपको इतनी की ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी और इसी सेम अमाउंट में अच्छा तो ये मैं आपको स्लिप चेक करा रही हूँ जो मैंने चेंज करवाया था लेकिन कीप इट इन योर माइंड के जो वहाँ से शॉप से बाय करके जा रहे थे चीज़ें उनको वो चीजें रिटर्न नहीं कर रहे थे कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था इसका जेन मसला था सब कुछ टैग वगैरह सब कुछ इसके साथ मैंने दे रखा था तो इस वजह से उन्होंने ये रिटर्न कर लिया सो दैट्स इट फॉर टूडे वीडियो आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आई होगा ये व्लॉग एंड डू लेट मी नॉ इन द कॉमेंट्स आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाफिज